किचन में सारी चीज़ें अगर अपने प्रॉपर तरीके से मिल जाए जब हम खाना बनाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकता। चीज़ों को ढूंढना ना पड़े और हमारा किचन जो है वो मेसी ना रहे, सारी चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहें और सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित रहें। तो कुछ ऐसे हैबिट्स आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन हैबिट्स को अपनाते हैं तो आपका जो किचन का काम है वो जल्दी हो भी जाएगा और जो किचन का क्लीनिंग है वो भी आप तुरंत ही कर पाओगे और उसको समय देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हैबिट है कुकिंग। जब हम किचन में घुसते हैं तो कुछ ज़रूर कभी नाश्ता बनाते हैं, कभी खाना बनाते हैं, तो इन खाना बनाने और नाश्ता बनाने में जो हमारा समय बचता है उसमें हम अपने काफ़ी जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर किचन में हम खड़े नहीं रह सकते और जब भी हमें थोड़ा भी जो समय मिले तो हम अपने किचन की जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे जो है दोपहर का लंच बना रही हूँ, सब्जी और चावल, और तो उसके बीच में ही मैं एक तरफ मैंने चावल रखा है और दूसरी तरफ जो है ये जो हल्की फुल्की क्लीनिंग है, जैसे ये काउंटर टॉप को क्लीन करना हो गया और चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, तो मैं पूरा जो है काउंटर टॉप जो है मैं क्लीन कर दूंगी और बस गैस रह जाएगा, तो वो जब ठंडी हो जाएगी तो मैं उसको जो है वो पोंछ दूंगी। तो इस तरह से हम अपने किचन के जो है छोटे मोटे काम कर सकते हैं। दूसरा हैबिट है ऑर्गेनाइज्ड यूटेंसिल्स। जो हमारे बर्तन जो है वो जब ड्राई हो जाते हैं तो हम अपने बर्तनों को वहाँ ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन सब काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बर्तनों को लगाने होते हैं और हम अपने बर्तन को आसानी से जैसे चाहे वैसे रखते हैं, उस हिसाब से हम अपना रख देंगे। तो इस तरह से हम अपने किचन की जो है क्लीनिंग कर सकते हैं और हमारा जो किचन है वो मेसी नहीं दिखेगा और हमेशा जो है ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल भी जाती हैं अगर इस तरह से हम अपने किचन का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो दूसरा यहाँ मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी। तीसरा, जब भी आप बर्तन बड़े स्टैंड में लगाएं तो इस तरह से खड़े करके लगाएं, तो इससे जो है बर्तन ना ज़्यादा आ जाते हैं और जो है स्पेस भी कम लेता है। तो इस तरह से जो भी अगर आपके घर में स्टैंड है तो इस तरह से खड़े करके आप बर्तनों को ऑर्गेनाइज्ड करिए, बर्तन ज़्यादा आएंगे। और ग्लास वगैरह अगर आपके पास ज़्यादा है तो कुछ ग्लास को आप अपने कैबिनेट में या कहीं भी रख सकते हैं, सिर्फ डेली बेसिस के जो है बर्तन यहाँ पे रखिए और इससे भी जो है आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, मेसी नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कितनी अच्छी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई हैं और जो है खाना भी बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने किचन की जो है क्लीनिंग कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि हम अपने परिवार के हिसाब से, परिवार की जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। और तो अगर आप इस तरह से जो भी चीज़ें आप किचन में जैसे चाय बनाने गए, खाना बनाने गए, नाश्ता बनाने गए, तो इस तरह से आप अपने किचन की जो है क्लीनिंग कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं और अलग से जो है आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें करते करते मेरा जो है लंच भी बन गया है और सारी चीज़ें जो है मैंने क्लीन भी कर दी हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है जो जिसमें मैं बर्तन धुल के रखती हूँ उसको जो है क्लीन करना है। तो यहाँ पे जो है वो सारे बर्तन जो मैंने सूखे थे उसको लगा दिया है और इसको भी मैं वीक में एक बार ज़रूर इसको क्लीन करती हूँ ताकि जो भी इसमें पानी के स्टोन वगैरह जमा रहे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। किचन क्लीनिंग की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश है, जो मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ या जो मैं मंथली क्लीनिंग करती हूँ, तो उसका जो है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा।
और उसके बाद जो है उसके छोटे छोटे जो भी हमारे किचन में जो रैक होते हैं जिस पे हम सर्फ रखते हैं या विम रखते हैं, तो उसको भी हमको एक दिन में या दो दिन में अच्छी तरह से क्लीन कर देना चाहिए। और अगर इस तरह के जो ग्लास अगर आपके घर में हैं तो उसको भी एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में आप उसको ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें जो है हमारी मैनेज हो जाएंगी। और किचन को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका एक जो वाइपर देख रहे हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने किचन में रख सकते हैं, तो इससे जो है आपका किचन हमेशा साफ रहेगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक हैबिट्स को अपना करके हम अपने किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं और किचन जो है मेसी नहीं दिखेगा। तो जब भी खाना बनाएं, नाश्ता बनाएं और लंच बनाएं तो इन उपायों को ज़रूर करिए और अपने किचन की जो है वो क्लीनिंग करते रहिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी इन हैबिट्स को अपनाएंगे और अपने किचन की हमेशा क्लीनिंग करते रहेंगे। और जो भी चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो लाइक दे के मोटिवेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और क्योंकि आपके एक मोटिवेशन से बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर चलिए, जय हिंद जय भारत।